हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उनको डिटेल में समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक 30 डे का चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी 30 डेज में कवर करेंगे। तो आज उसका पहला दिन है, तो देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहली चीज हमें ये सोचनी चाहिए कि हमें सेंटेंस बनाना क्यों है। हमें सेंटेंस की जरूरत होती है वाक्य। सेंटेंस होता है वाक्य। अब हिंदी में भी आप वाक्य बोलते हो जब आपको अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी होती है, जैसे किसी को बताना है कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, या मैं खुश हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। हर चीज के लिए हमें एक सेंटेंस की जरूरत है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स को आपस में जोड़ देना होता है जिससे उनकी एक सेंस बन जाए। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मैं खुश, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो मुझे आगे लगाना पड़ेगा हूं, मैं खुश हूं। तो उसी तरह से हमें कुछ सेंटेंसेस को ग्रुप बनाकर एक सेंटेंस बन जाता है, लेकिन सेंटेंस को इस तरह, वर्ड्स को इस तरह से जोड़ना होता है कि उस वाक्य की कोई सेंस बने। अब हम देखते हैं कि उसमें सेंस कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा कर्ता। कर्ता क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता वो होता है जो कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ, राम हुआ। राम के बारे में बात हो रही है तो राम सब्जेक्ट हुआ। अब लेकिन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर यानी कि एकवचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है। मैं बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन का एकवचन यानी कि सिंगुलर, वो क्या हुआ, आई, मैं एक हूं, तो ये हो गया एक। फर्स्ट पर्सन का आई हो गया एक वचन। अब फर्स्ट पर्सन में अगर सपोज करो कि मैं 5-6 लोगों के बारे में बात कर रही होती कि हम यहां जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वो हो जाता वी। अब हम देखते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो इसका मतलब सेकेंड पर्सन आप हुए, तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यानी कि आप अगर एक इंसान हो तब भी यू, आप अगर ज्यादा हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, तब भी यू, क्योंकि यू सेम ही रहता है। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है कि मैं और आप मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, वह, वह, यह, कोई नाम, किसी का भी नाम लिख दो आप यहां पर, राम, श्याम, सभी थर्ड पर्सन है। और दिस, किसी भी मेरे और आपके अलावा एक्चुअली में दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन हो गए, क्योंकि मैं बात कर रही हूं, आप बात सुन रहे हो, और बाकी के सारे लोग जिनके बारे में बात हो रही है वो सारे के सारे हो गए थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या हुआ, थर्ड पर्सन का एक वचन हो गया ही, शी, इट, कोई नाम या दिस। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हुआ, दे। दे यानी कि वे लोग। जैसे कि हम, मैं और आप अगर मिलकर 5-6 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग, वो लोग क्या हो गए, थर्ड पर्सन का प्लूरल। थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी कि बहुवचन हो गए। डॉग्स, अगर काफी सारे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन का प्लूरल। और गया राम एंड श्याम, अगर मैं राम के बारे में बात करती तो वो क्या हो जाता, थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अगर मुझे बात करनी है राम और श्याम, राम और श्याम वहां जाते हैं, तो अब मैं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि सब्जेक्ट कैसे क्या करता है। पहला सेंटेंस हम लेते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो अब यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम क्या काम कर रहा है, जाना, तो राम कुछ काम कर रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही होता है जो कुछ काम करता है। अब यहां पर राम काम कर रहा है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, रीना प्यारी है, रीना प्यारी है। अब यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रीना के बारे में। लेकिन आप ध्यान से देखो तो रीना कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट कौन होता है कि जिसके बारे में बात हो रही हो या वो कोई काम कर रहा हो, जरूरी नहीं होता कि वो काम करे। तो रीना के बारे में बात हो रही है, इसलिए रीना सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो राम है, राम कौन सा सब्जेक्ट हुआ, राम हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि वो मैं तो नहीं हूं, राम यू आप भी नहीं हो, तो राम कोई तीसरा इंसान है, तो राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, क्योंकि एक वचन, राम एक है, तो वो हो गया राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब रीना क्या है, रीना प्यारी है, रीना हमारा सब्जेक्ट है, रीना कौन है, रीना भी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर। इसमें अगर मैं ये लिख दूं कि रीना
के साथ कोई और अगर इंसान है कि रीना और टीना प्यारी हैं, तो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल। या फिर अगर मैं सेंटेंस लिखूं मैं स्कूल जाती हूं, तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम समझ लेते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है हिंदी में? किसी भी कार्य को करना होता है क्रिया, जैसे कि घूमना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सभी क्रिया है। जैसे कि वो खाता है, वो सोता है, वो रोता है, वो मतलब जाता है, ये सब के सब क्रिया है। अब वर्ब हमारे जो होते हैं क्रिया, वर्ब कितनी तरह के होते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मतलब कोई भी काम को करना, जैसे कि नाचना गाना, किसी भी तरह का कोई भी काम करना। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे इज, एम, आर, ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में को बनने में मदद करते हैं। जैसे मैं अगर कहती हूँ रीना प्यारी है, तो है अगर ना लिखूं, जैसे मैं लिखूं यहां पर रीना इज क्यूट, उसकी जगह अगर सिर्फ लिखूं रीना क्यूट, तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये जो इज है ये क्या कर रहा है? ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब तो दूसरा होता है जिसमें कि हम कोई काम कर रहे होते हैं। सेकेंड तरह का वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या है, रीना इज क्यूट, ये वर्ब जो है ये इस सेंटेंस को बनने में मदद करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये हमें बताता है उसकी स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था, यानी कि ये कब की बात है। ये रीना इज क्यूट का मतलब है, इस देखकर हम बता सकते हैं कि ये अब की बात है। अगर होता रीना वॉज क्यूट, रीना प्यारी थी, तो यानी कि ये जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक तो हमें बताते हैं कि ये कब की बात है, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। दूसरा ये सेंटेंस को बनने में मदद करते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम, क्योंकि राम काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? जाना। जाना क्या है? जाना एक काम है। तो ये हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। जाना एक मेन वर्ब है, क्योंकि कुछ भी कार्य करना, जाना एक काम है। दूसरा अगला सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है वो? क्रिकेट। खेलना क्या है? खेलना एक काम है। तो प्ले, खेलना यानी कि प्ले हमारा हो गया मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में एक और वर्ब है, इस सेंटेंस में है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस जो लगा है, इस सेंटेंस को बनने में मदद कर रहा है, साथ साथ हमें ये बता रहा है कि ये अभी की बात है, कि वो अभी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं। वर्ब खत्म हो गया हमारा। अगला हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी में आपने सुना होगा कारक। कारक यानी कि अगर कोई भी कर्ता जो है वो किसी भी तरह की क्रिया को कर रहा है, उस क्रिया का जिस पर असर पड़ रहा है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर अगर मैं कहती हूँ कि राम स्कूल जाता है, तो राम एक कार्य कर रहा है जाना। जाने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? जाना वो कहाँ जा रहा है या कैसे जा रहा है या क्यों जा रहा है, उस चीज का जवाब हमें मिलता है स्कूल। तो स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वो क्या खेल रहा है? वो खेल रहा है क्रिकेट। तो खेलना जो है, वो खेलने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर। तो हमारा हो गया जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया क्रिकेट। उसी तरह से अगर मैं बोलूं मैं खाना पका रही हूं, तो मेरे पकाने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? खाने पर। तो खाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रीना इज क्यूट। अब यहां पर रीना के क्यूट होने का असर किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, रीना कोई काम तो कर नहीं रही है। तो यहां पर क्या होगा, रीना इज क्यूट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है। अब आपने कुछ छोटे छोटे सेंटेंस देखे होंगे, जैसे अगर कोई हम किसी को कहते हैं कम हियर, तो आप बोलोगे इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि हमने किसी को आने को बोला, हमने सिर्फ बोला कम, तो इसमें सिर्फ हमारी क्रिया है, वर्ब है। लेकिन इसमें एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिर्फ सेंटेंस है, वो है यू कम हियर। उस बंदे को ऑलरेडी पता है कि हम उसी को बोल रहे हैं, तो हमने सिर्फ यू नहीं लगाया, आप यहाँ आओ की जगह हमने सिर्फ ये बोल दिया यहाँ आओ। तो लेकिन उसमें भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना एक सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी 10 सेंटेंसेस का, जिसमें आपको बताना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, राम पतंग उड़ाता है। राम फ्लाइज काइट। अब आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपका आंसर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है फ्लाई और ऑब्जेक्ट है काइट। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है, वह सुंदर है। शी इज ब्यूटिफुल। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट है शी, वर्ब है इज
और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड सेंटेंस है मैं किताब पढ़ती हूँ, आई रीड अ बुक। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका आई, वर्ब है रीड और ऑब्जेक्ट है बुक। फोर्थ सेंटेंस है भगवान ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गॉड, वर्ब है सेव, सेव मतलब बचाना, और ऑब्जेक्ट है अस, अस मतलब हम। आपका फिफ्थ सेंटेंस है हम गाते हैं, वी सिंग। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, वर्ब है सिंग और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। सिक्स सेंटेंस है आप बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है गो और ऑब्जेक्ट है मार्केट। सेवन सेंटेंस है हमारा अतुल कार चलाता है, अतुल ड्राइव्स अ कार। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अतुल, वर्ब है ड्राइव और ऑब्जेक्ट है कार। एट सेंटेंस है हमारा वह केक बनाती है, शी बेक्स अ केक। सब्जेक्ट है यहाँ पर शी, वर्ब होगा हमारा यहाँ पर बेक और ऑब्जेक्ट है केक। अगला सेंटेंस है बच्चा सो रहा है, बेबी इज स्लीपिंग। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बेबी, वर्ब हमारे यहाँ पर दो हैं, एक वर्ब है इज और दूसरा है स्लीप। जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो स्लीप है वो मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। लास्ट सेंटेंस है हमारा पिंकी चॉकलेट खाती है, पिंकी ईट्स चॉकलेट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर पिंकी, वर्ब है ईट और ऑब्जेक्ट है चॉकलेट। आई होप कि आज का टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम करने वाले हैं टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों तरह के टेंसेस को अच्छे से देखेंगे कि उनको पहचानते कैसे हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी सजेशन देना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।